चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। राजनीतिक दलों को इसका पालन करना होता है। नियम नहीं मानने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। आखिर क्या होती है आचार संहिता? राजनीतिक दलों को कौन कौन से नियमों का करना होता है पालन? देखिए महानगर टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। चुनाव खत्म होने तक जारी रहेगी आचार संहिता। 1960 में केरल में लगी थी पहली बार आचार संहिता। 1967 के आम चुनावों में भी लागू हुई थी आचार संहिता। समय के साथ नियमों में भी हुए बदलाव। चुनाव खत्म होने तक आचार संहिता लागू रहेगी। आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल आम चुनाव में की गई थी। फिर 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी इसे लागू किया गया था। बदलते समय के साथ इसके नियमों में भी काफी बदलाव किए गए। सरकारी गाड़ी, विमान और बंगले का नहीं कर सकते इस्तेमाल। वोटर्स को नहीं दे सकते धन का लालच। धर्म और जाति के नाम पर नहीं मांग सकते वोट। साइलेंस जोन में जुलूस नहीं निकाल सकते प्रत्याशी। आचार संहिता के दौरान प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, विमान और बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वोटर्स को धन का लालच नहीं दिया जा सकता है। वहीं प्रत्याशी को मतदान केंद्रों के पास घूमने या प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। साइलेंस जोन में प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। धर्म और जाति के नाम पर भी वोट नहीं मांग सकते। देश दुनिया के ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें महानगर टाइम्स के साथ।